बिजली कटौती को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, जहां अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा द्वारा जबलपुर नाके पर चकाजाम किया गया। वहीं देर शाम नोटा थाने में एक अज्ञात व्यक्ति पर बिजली बाधित करने के नाम पर FIR दर्ज कराई गई। विधायक राहुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लाइन में फॉल्ट बनाकर बिजली बाधित करने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण उस पर FIR कराई गई है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर बिजली को बाधित करने का आरोप भी लगाया। वहीं आज जयंत मलैया सहित अन्य भाजपा नेताओं पर चकाजाम को लेकर FIR कराई गई है। पुलिस अधीक्षक देवी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित भाजपा जिलाध्यक्ष के नारायण एवं अन्य भाजपा नेताओं पर 341 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब देखना होगा यह बिजली का घमासान कितने दिनों तक और जारी रहता है। हम आपको बता दें कि हथनी के पास जो फीडर लगा हुआ है, वहाँ पर किसी ने कटीले तार फेंक कर लाइट गोल की है। उसी को लेकर संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों ने नोटा थाने अंतर्गत FIR की है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बिजली को लेकर जो चकाजाम किया है, पूर्णतः उनकी साजिश है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। प्रदेश में बिजली सरप्लस में है और कहीं पर भी बिजली की शॉर्टेज नहीं है। एक माहौल बनाया जा रहा है और तरह कहीं पर साइकिल की चेन, कहीं पर कटीले तार मारकर जबरदस्ती लाइट को गोल करके ये माहौल बना रहे हैं कि कांग्रेस बिजली पर्याप्त स्थिति में शहर को दे नहीं पा रही है। उसी के विषय में आप लोगों को आज यहाँ बुलाया है। कौन कर रहा है ये बिजली बिल, क्या लगता है? पूरा ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो करेंगे नहीं, और बड़े ही षड्यंत्रकारी लोग हैं, बड़े ही प्लान तरीके से राजनीति करते हैं। आप देखिए कि आज माननीय पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी ने चकाजाम किया और सवेरे से कटीले तार की FIR की। तो सोची समझी रणनीति के तहत ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। क्या मानते हैं, पूरा यही षड्यंत्र रच रहे हैं लाइट गोल? पूरे प्रदेश में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात हुई, आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी से भी इस विषय में चर्चा हुई, तो वहाँ से भी प्रेस ब्रीफ हुआ है और उन्हीं के कहने पर फिर ये FIR हुई है। तो आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये कार्य कर रही है। हमारे एरिए में एक फीडर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कटीला तार लाइन पर डालकर लाइन को फॉल्ट करने की कोशिश की गई थी। तो आधी लाइन रात में चालू हो गई थी, बाकी लाइन हमने सुबह से पेट्रोलिंग कराई तो जो तार मिला है, बहुत सारा तार मिला था, जिसके कारण लाइन चालू नहीं हो रही थी। उसी के लिए हम लोग यहाँ नोएडा थाने में आज FIR कराने आए हुए हैं। कटौती तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जो भी है हम लोग 24 घंटे विद्युत प्रदाय कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, जो भी आदेश आएंगे उस प्रकार से। जो कटौती मतलब बिजली बंद होती है उसको हम कटौती नहीं बोलेंगे, बंद होती है तो कुछ या तो प्राकृतिक आपदा के कारण बंद होती है, अवांछनीय अज्ञात तत्वों द्वारा जो छेड़छाड़ होती है उसके कारण बंद होती है, या कोई भी फॉल्ट आने पर या ट्रिपिंग आने पर या कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट से ही बंद होती है, बाकी अन्यथा जानबूझकर कोई बिजली बंद नहीं होती है। सर, भारतीय जनता पार्टी का धरना था, उस मामले को FIR दर्ज की गई? बिल्कुल, जो पार्टी द्वारा इसमें धरना प्रदर्शन किया गया था, इसमें चक्का जाम वगैरह भी किया गया था और उसके आधार पे इसमें FIR जबलपुर नाका चौकी हुई, जो कि दमोह देहात थाना में आता है, उसमें वहाँ पे FIR दर्ज की गई है। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी लोग अज्ञात के खिलाफ इसमें दर्ज की गई। नामजद जो भी यहाँ के पदाधिकारी या जो भी नेतागण विधायकगण थे, उनके जिनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया था, उनको उनके खिलाफ नामजद की गई। इसमें 341 और 147 धारा में किया गया IPC में। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया,
जी उन पे भी पूर्व वित्त मंत्री अजयन मलेश जी पे भी है और दो विधायकों के खिलाफ भी है और जो पार्टी पदाधिकारी हैं अध्यक्ष वगैरह उनके खिलाफ भी है इसमें। अब सुना है मैंने, मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग के खिलाफ मामले होते रहते हैं। हम लोग तो पहले भी विरोध में रहे हैं, धरने करते थे, चक्का जाम करते थे, केसेस बनते थे, जेल भी जाते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया? हाँ, दो नहीं चार कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जनहित में हमने जो निर्णय लिए हैं, हमारा जो ये काम है प्रशासन को शासन को चेताने का है कि 47 डिग्री में जब पूरा प्रदेश देश और हमारा ज़िला उबल रहा है, आप पर्याप्त मात्रा में भी बिजली होने के बाद बिजली की अघोषित कटौती कर रहे हैं, और अगर जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिजली के तार काट रहे हैं, ये सरासर गलत है, और अगर है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों को ऊपर पकड़ कर। मुझे तो शर्म आती है कि लोग इस प्रकार के बयान देते हैं।